तक पहुंचाने के लिए नजर बनाए रखिएगा। आगे भी रुक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा के डिप्टी सीएम ने कहा है कि त्रिपुरा हिंसा को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनके राज्य में पूरी तरह शांति है, राज्य में हिंसा का कोई इतिहास नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम जिष्णुदेव वर्मा ने साफ कहा है कि कोई मस्जिद नहीं जलाई गई है। त्रिपुरा हिंसा को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। त्रिपुरा के डिप्टी सीएम ने यह दावा किया है कि राज्य में पूरी तरह से शांति बहाल है, त्रिपुरा में कोई मस्जिद नहीं जलाई गई है। ये बयान आया है डिप्टी सीएम की तरफ से, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिपुरा के डिप्टी सीएम का बयान, त्रिपुरा हिंसा को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनके राज्य में पूरी तरह से शांति है। महाराष्ट्र के दो तीन तो शहर है, दो तीन शहर में महाराष्ट्र में कल पत्थरबाजी हुआ त्रिपुरा का नाम में, और कुछ दंगा हम आप कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए त्रिपुरावासी के लिए बहुत ये शर्म का बात है कि हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है वो समन्वय का है। हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन हम लोग बहुत दिन से एक साथ चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं। रिलीजियस दंगा का कोई हिस्ट्री नहीं है त्रिपुरा में, ये हमारा त्रिपुरा का इतिहास का गरिमा है। कुछ आदमी लोग कुछ आके इसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एक नैरो राजनीति के लिए, फेक पिक्चर्स फेक न्यूज जो दूसरे देश के है वो दिखा रहा है। तो त्रिपुरा में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। त्रिपुरा में अभी भी अवस्था सामान्य है, नॉर्मल है। अमरावती और अन्य हिस्सों में हुए उग्र प्रदर्शन को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। त्रिपुरा में जो घटना घटी ही नहीं उसके ऊपर जिस प्रकार से दंगे महाराष्ट्र में हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। त्रिपुरा की जिस मस्जिद को जलाया इस प्रकार की अफवाह उठाई गई, वहां की पुलिस ने उस मस्जिद के फोटो भी जारी किए हैं और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिए हैं उसका भी पर्दाफाश किया है। बावजूद उसके महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते हैं। जो घटना कल हुई, जो त्रिपुरा में घटना हुई, उसका निषेध करने के लिए कुछ निवेदन देने वाले थे, उसमें से कोई पथराव हुआ, कोई नुकसान हुआ और आज उसके परिणाम स्वरूप जब भी अमरावती बंद का ऐलान किया गया तो अमरावती बंद में आज भी वहाँ पर कोई हिंसात्मक घटना हुई है, तो मैं इसका निषेध करता हूँ कि ये ठीक नहीं है। इससे समाज का स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम कोई भी नहीं। बहरहाल राजनीतिक बयानबाजियाँ जारी हैं।